Thank you.
तिलक जंजू राखा प्रभ ताका, कीनो बड़ो कलु में साका, साधन हेत इति जिन करी, सीस दिया पर सी ना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, सीस दिया पर सिर न दिया, सीस दिया पर सिर न दिया। परम सत्कारयोग्य वाइस चांसलर प्रोफेसर राघविंदर प्रसाद तिवारी जी, आज दे विशेष मेहमान ते मुख वक्ता प्रोफेसर परमवीर सिंह जी, डायरेक्टर IQAC प्रोफेसर मोनिशा दीमान, वक्फ डीन्स, समूह फैकल्टी मेंबर्स, नॉन टीचिंग स्टाफ, प्यारे विद्यार्थियों ते खुजार्थियों, आप सब का अज दे इस विशेष भाषण विच पहुंचने लई निघा स्वागत है। आप सब नू गुरु नानक देव जी की नौवीं जोत तप त्याग ते विराग की मूरत, तेग दे धनी सबर सिदक ते सूरमतई दी मूरत, हिंद दी चादर, धर्म दी चादर, सृष्ट दी चादर, नौवें पातशाह श्री गुरु तेग बहादुर जी दी जी नूं समर्पित अज दे इस विशेष भाषण दे विच शामिल होण दे लई असीं सिजदा करदे हां, प्रणाम करदे उहनां दे महान बलिदान नूं, शहादत नूं, अते उहनां दे नाल उहनां समूह शहीदां नूं जिन्हां ने गुरु साहिब दे नाल शहादत दित्ती, खास करके भाई मती दास, भाई सती दास ते भाई दयाला जी। इस तो पहला कि असी इस प्रोग्राम की विधिवत शुरुआत करिए, यूनिवर्सिटी की परंपरा अनुसार यूनिवर्सिटी धुनी दे नाल प्रोग्राम का आरंभ होवेगा। आप सब अपने स्थान पर खड़े हो जाओ। पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय, संस्कृतियों का मिलन बिंदु, विज्ञान दृष्टि कारण करके विद्यार्थी इस फुलवारी से देश विदेश की समझ बढ़ाता, माता विश्व बंधुत्व का भाव सिखाता, तेरी शान है, तेरा मान है,
पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय पंजाब केंद्रीय विश्वविद्यालय जय जवान जय जवान जय किसान जय विज्ञान जय अनुसंधान। धन्यवाद। गुरु तेग बहादुर जीवन अते दर्शन अज के इस विशेष लैक्चर के आप सब का इतने पहुँचने लिए रस्मी धन्यवाद के लिए मैं विभाग के मुखी प्रोफेसर जमीरपाल जी को सदा दिनी हाँ कि इतने आन ते आप सब का रस्मी तौर पर स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर रमनप्रीत कौर जी, विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर राघविंद्र प्रसाद तिवारी जी की योग अगवाई विच आयोजित किए जा रहे गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी नूं समर्पित अज के प्रोग्राम विच मुख वक्ता वजो शामिल होए प्रोफेसर परमवीर सिंह जी, जो प्रोफेसर के मुखी हैं प्रोफेसर हरबंस सिंह डिपार्टमेंट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज़म पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, बाकी सारे विभागों तो आए अध्यापक साहबान, मेरे साथी अध्यापक डॉक्टर रमनप्रीत कौर, डॉक्टर अमनदीप सिंह, डॉक्टर लखवीर कौर लेजिया, सारे विद्यार्थियों ते खोजार्थियों, आज दे प्रोग्राम विच मैं तुहानू सब नू जी आया आखदी हाँ। अज साडे दरम्यान विषय दे माहर प्रमुख वक्ता प्रोफेसर परमवीर सिंह जी मौजूद हैं, जो साढ़े सामने सिक्खी दे कुरबानियां भरे इतिहास खास करके गुरु तेग बहादुर जी दे जीवन सिक्ख्या शहादत ते उन्हां दे समुचे परिवार दे बलिदान संबंधी अपने मुलवान विचार ते जानकारी साडे नाल सांझी करनगे। मैनूं उम्मीद है कि अज दा इह लैक्चर साडे लई, साडे विद्यार्थियों लई, साडे खोजार्थियों लई बहुत जानकारी भरिया ते बहुत मुलवान साबित होगा। इस तरह हुण मैं ज़्यादा समां ना लैंदे होए तुहानूं सारिआं नूं इक वार अज दे प्रोग्राम दे विच तहि दिलों जी आया आखदी हाँ। धन्यवाद। विश्व दा इतिहास इस गल दा गवाह है कि उन्हां महान शख्सियतां ते महापुरशां दा जिक्र समाज नूं हमेशा प्रभावित करदा होया प्रेरणा स्रोत रहा है, जिन्हां ने लोक भलाई मानवता दी अगवाई धर्म जां अपने विश्वास अकीदे जां आस्था लई आपा निशावर कीता अते शहादत प्राप्त कीती। इतिहास दीआं इन्हां महान शहादतां दे अमल विच नौवें पातशाह साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी दी शहादत विलक्खण अदुत्ती ते लामिसाल है। जे देखिया जावे तां इह शहादत नौवें पातशाह दे जीवन नाटक दा केवल अंतम सीन मात्र है, परंतु उन्हां दा समुच्चा जीवन तप त्याग सेवा कुरबानी नाल सरशार होया पिया है। 15 रागां विच प्राप्त गुरु साहिब दी बाणी जिस विच 59 शब्द ते 57 श्लोक शामिल हन, मनुखी जीवन प्रति गुरु साहिब दे सिद्धांत अते आदर्श नूं रूपमान करदी है। गुरु साहिब दी बाणी मनुख नूं जगत जीवन ते मानवी संबंधां दी यथार्थक स्थिति दा बोध करवाउंदी होई इक अजिहा जीवन मार्ग प्रदान करदी है, जिहड़ा जीवन मार्ग जीवन मुक्ति दा जीवन मार्ग है। गुरु साहिब दी बाणी विचला त्याग ते वैराग दा माडल पुराने प्राचीन माडल नालों वखरा है। ए माडल ना तां डर विच्चों पैदा होया है, ना ही किसे सके संबंधी जां मित्र द्वारा कीते होए दगे फरेब दे विच्चों। ए माडल तां जीवन दे यथार्थ दी सोची विच्चों प्राप्त हुंदा है। गुरु साहिब ने अपनी बाणी विच मनुखी जन्म जीवन दीआं तिन्ने अवस्थावां बाल जवानी और बिरध फुन दी गल कीती है ते मनुख नूं ए अहसास करवाया है कि समा जीवन जगत ते सारा ही धन पदार्थ थोड़ चिरा है। सो ए बाणी मनुख नूं अजिहा विराग जिस विराग दे विच उस नूं अपने जीवन दी सोची हुंदी है उसका ज्ञान करवाउंदी है। अज दे इस भाषण दे मुख वक्ता प्रोफेसर परमवीर सिंह वैसे तां धर्म अध्ययन अते सिख इतिहास दे विच काफ़ी नामजोग स्थान रखते हैं, पर क्योंकि साड़ी यूनिवर्सिटी च पहली बारी आए हैं बहुत सारे साडे च उन्हां बारे नहीं जानते होंगे। मैं विभाग के सीनियर अध्यापक डॉक्टर अमनदीप जी को बेनती करती हाँ कि आउण
ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬੁਲਾਰੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਡੀਨ, ਮੁਖੀ, ਅਧਿਆਪਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਕਟਰ ਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਵੀਰ ਜੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਫਿਲੋਸਫੀ, ਤਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਟਰਸ ਅਤੇ ਧਰਮ ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਅਤੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 14 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ, ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਸਿੱਖ ਗੁਰੂਜ਼, ਕਨਸੈਪਟਸ ਐਂਡ ਕਲਚਰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਚਿੰਤਨ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਦਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ 400ਵੇਂ ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮੌਕੇ ਇਸੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਿਜ ਲਾਈਫ, ਟਰੈਵਲਸ ਐਂਡ ਮੈਸੇਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਸਿੱਖਿਜ਼ਮ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਰੂਪਾਂਤਰਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 400 ਤੋਂ ਵੱਧ ਇੰਦਰਾਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਨੁਵਾਦ ਖੁਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਖ ਅਤੇ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਿੰਘ ਵੱਖ ਵੱਖ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਸਨਮਾਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਸਰਵੇ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਤੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਤਿਕਾਰ ਸਹਿਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਮੰਚ ਤੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ, ਆਨਰੇਬਲ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਘਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਿਵਾੜੀ, ਮੈਡਮ ਜਮੀਲਪਾਲ ਕੌਰ, ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਓ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਲੈਕਚਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਜਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੇਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਿਵਾੜੀ ਸਾਹਿਬ, ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ ਹਮ ਬੈਠੇ ਥੇ ਆਫਿਸ ਮੇ ਤੋ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਥੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਕੀ ਜੋ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲਾਈਫ ਲੌਂਗ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਯੇ ਬਹੁਤ ਰਿਚ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਦੀਓਂ ਸੇ ਯੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਮੇ ਰਹੀ, ਚਲਤੀ ਰਹੀ, ਬਹੁਤ ਸੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹੈ। ਹਮਾਰੇ ਪੂਰਵਜੋਂ ਨੇ, ਹਮਾਰੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਹਮਾਰੇ ਪੀਰੋ ਪੈਗੰਬਰੋਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਮ ਕੀਏ ਯਹਾਂ ਪਰ, ਜੈਸੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕੀਆ ਹੈ ਹਿਊਮੈਨਿਟੀ ਕਾ, ਵੋ
आम लोगों तक हमेशा चलता रहना चाहिए। हमारे जो पीछे हमारे बुजुर्ग थे, हमारे एंसेस्टर थे, उन्होंने यत्न किया कि ये निरंतर चलता रहे। अब कह रहे थे कि ये हमारी जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी क्या है कि जो पीछे से चलता आ रहा है उसको आगे लेके जाए। ये जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत बड़ी बात होती है। जिम्मेदारी का एहसास नहीं रहेगा तो शायद कुछ भी नहीं रहेगा। हम गुरु तेग बहादुर साहब जी को याद कर रहे हैं, कश्मीरी पंडितों की बात होती है कि कश्मीरी पंडितों के लिए उन्होंने अपनी शहादत दी है। गुरु साहब के पास आने से पहले कश्मीरी पंडित और कई जगह गए थे, कई मंदिरों में गए, कई संस्थाओं में इंस्टीट्यूशन के पास गए, पर किसी ने उनका साथ नहीं दिया। सभी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसोन कर दी थी कि दिस इज नॉट आवर जॉब टू फाइट अगेंस्ट द मुगल फोर्सेस। देन दे केम टू गुरु तेग बहादुर साहब। तो गुरु तेग बहादुर साहब के जब आए, गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी जिम्मेदारी को डिसोन नहीं किया। गुरु साहब ने कहा कि अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये गुरु तेग बहादुर साहब हैं, ये मार्गदर्शन है गुरु साहब का कि जब गुरु साहब कहते हैं कि अब आप आ गए हैं तो अब आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं, इट मीन्स कि दिस इज अ ग्रेट मैसेज बाय द ग्रेट गुरु गुरु तेग बहादुर साहब कि हमें अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए, जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए और जिम्मेदारी निभाने की ताकत भी होनी चाहिए। ये मैसेज गुरु साहब ने दिया है। गुरु साहब की उनकी बायोग्राफी में, गुरु साहब की ट्रैवल्स में से, उनकी वाणी में से ये मैसेज हमें मिलता है। हम सभी जानते हैं कि जो पंजाब की परंपरा के साथ जुड़े हुए हैं लोग, जो बाहर से हैं, उनके लिए शायद मैं ये थोड़ी सी हिंदी में बात कर रहा हूँ तो शायद समझ जाएंगे सभी लोग कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। गुरु तेग बहादुर साहब ही वॉज द 9th इन द लाइन ऑफ गुरु नानक देव जी। इनफैक्ट ही वॉज द स्पिरिट ऑफ गुरु नानक देव जी। ही वॉज द कॉन्टीन्यूटी ऑफ गुरु नानक देव जी। ही वॉज द 9th डिसेंडेंट ऑफ गुरु नानक देव जी। सो जो उन्होंने प्रीच किया है गुरु तेग बहादुर साहब ने, दैट वॉज सोनली ऑफ गुरु नानक देव जी। जो भी उनकी वाणी है गुरु साहब की, जो मैसेज है, वो स्टार्ट होता है गुरु नानक साहब के समय से। तो गुरु नानक साहब ने भी अपनी जिम्मेदारी का कभी डिसोन नहीं किया। गुरु नानक साहब की जिम्मेदारी, जब बाबर आया तो सामने खड़े हो गए, किसी को ये नहीं कहा कि हम जा रहे हैं, हमें छोड़ दीजिए, इनको पकड़ लीजिए। बाबर आया था, गुरु नानक देव जी उसके सामने खड़े हो गए थे, तो उन्होंने कहा था कि इनको छोड़ो, फिर हमें छोड़ना बाद में। तो ये जिम्मेदारी का एहसास गुरु साहबान की कॉन्टीन्यूटी में चलता आ रहा है, यही गुरु तेग बहादुर साहब के जीवन में भी देखने को मिलता है। इसके साथ ही गुरु तेग बहादुर साहब जी के जो बाणी है, उनकी बायोग्राफी है, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स, पर जब हम उनको मिला के देखते हैं तब पता चलता है गुरु नानक साहब का मैसेज क्या है। एक मैसेज निकलता है उनकी वाणी से, दूसरा मैसेज मिलता है उनकी मार्टिरडम से। जो मार्टिरडम का मैसेज है वो भी उनकी वाणी के अंदर ही है, और उनके समझने की जरूरत है कि वो कैसे है। वो गुरु तेग बहादुर साहब का जो मैसेज है मार्टिरडम का, उसको समझने के लिए हमें गुरु साहब की वाणी को, उनकी बायोग्राफी को अच्छी तरह से देखना चाहिए, अच्छी तरह से देखना पड़ेगा। जैसे उनकी बायोग्राफी में सबसे पहले हम जानते हैं कि जब वो गुरु नहीं बने थे गुरु तेग बहादुर साहब, तब वो गुरु हरगोबिंद साहब के सुपुत्र थे। बहुत रिच लीगेसी है गुरु साहिबान की। उनके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे गुरु रामदास जी, ही वाज द 4th गुरु ऑफ द 6th। उनके ग्रैंडफादर थे गुरु अर्जन देव जी, द 5th गुरु ऑफ द 6th। एंड हिज फादर गुरु हरगोबिंद साहब, ही वाज आल्सो नोन फॉर हिज मार्शल स्पिरिट। मेरी पीरी का सिद्धांत दिया है गुरु हरगोबिंद साहब ने। उसी सिद्धांत में चलते हुए गुरु तेग बहादुर साहब ने भी गुरु बनने से पहले करतारपुर में युद्ध हुआ था, उसमें अपने बहादुरी के जौहर भी दिखाए थे। और कहा यह जाता है कि उनका पहले का नाम था त्यागमल, और जब उस करतारपुर के युद्ध में उन्होंने बहादुरी के जौहर दिखाए तब उनका नाम हो गया तेग बहादुर। वो तेग चलाते हैं और परवाह नहीं करते हैं, परमात्मा को हाजिर नाजिर जानते हैं, उनको तेग बहादुर साहब कहा जाने लगा उसके बाद। ये हमारे ट्रेडिशन में ये भी एक जो बात चलती है। उसके बाद गुरु हरगोबिंद साहब
के साथ ही गुरु तेग बहादुर साहब गुरु बनने से पहले कीर्तपुर साहब रहे। 1644 में 1644 वैन ही पास्ड अवे गुरु हरगोबिंद साहब, देन गुरु तेग बहादुर साहब एंड हिज फैमिली दे शिफ्ट टू बकाला। बकाला आई थिंक सभी ने देखा भी होगा उसको, आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा बकाला, दैट इज इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट। तो बकाला गांव है, पहले तो बहुत छोटा गांव था, अब तो बहुत बिग टाउन हो गया है बकाला। तो वहां पर आकर रहने लगे, लगभग 20 साल गुरु तेग बहादुर साहब रहे वहां पर, और उन 20 सालों में उन्होंने मेडिटेशन भी की, उन 20 सालों में उन्होंने लोगों का के साथ संपर्क भी रखा। क्योंकि हम देखते हैं कि आमतौर पर यह कहा जाता है कि गुरु तेग बहादुर साहब 20 साल भक्ति करते रहे, मुझे लगता है ऐसी बात नहीं है। गुरु साहब की वाणी जैसे मैडम ने बताया पहले कि 15 रागों में है, रमन बता रही थी आपको कि 15 राग में गुरु साहब की वाणी है, उसमें 59 शब्द हैं, 57 श्लोक्स हैं। तो वो वाणी राग आधारित जो वाणी है वो राग एक दिन में नहीं आ जाता किसी को, उसकी कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और एक ऐसा राग भी है जो केवल और केवल गुरु तेग बहादुर साहब का है, दैट इज राग दाजा बंती। तो इतनी कड़ी मेहनत करते रहे वो, जब मेडिटेशन में थे, जब 20 साल उन्होंने बाबा बकाला में रहे, तो जब गुरु बने तो गुरु बनने के बाद गुरु तेग बहादुर साहब पहले गुरु हैं। अब देखो हर ट्रेडिशन में ऐसे ही होता है कि जब गुरु होता है वो अपने जो डिसाइपल्स होते हैं, शिष्य होते हैं, उनकी वो ऊपर करता है कि ये काबिल हो गया है कि नहीं काबिल हुआ, कि इसको आगे कंटिन्यू कर सकता है, इस ऑफिस को नहीं कर सकता। इन द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस वर्ल्ड कि किसी सिख ने गुरु को टेस्ट किया है, परख किया है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस स्टडीज या हिस्ट्री ऑफ रिलीजियस। भाई मक्खन शाह लुबाणा, भाई मक्खन शाह लुबाणा वो पहला सिख है जो वो इसलिए है कि जो उनके प्रीडिसेसर हैं गुरु हरकृष्ण साहब, उनका वो दिल्ली में वो ज्योतियों समाते वक्त उन्होंने जब समाए तो उन्होंने कहा कि बाबा बकाले, नेक्स्ट गुरु विल बी यू विल फाइंड द नेक्स्ट गुरु एट बाबा बकाला, ही इज द बाबा, बाबा मीन्स ग्रैंडफादर। तो जैसे गुरु साहब ने कहा तो गुरु तेग बहादुर साहब ने अपने आप को आइसोलेट किया हुआ था, ही वाज इन सेक्लूजन। तो बहुत से लोग ऐसे इकट्ठे वहां पर इकट्ठे हुए जिन्होंने अपने आप को पोस्ट गुरु, जो इन्होंने अपने आप को गुरु डिक्लेयर किया कर दिया था कि हम ही असल गुरु। तो भाई मक्खन शाह लुबाणा वो व्यक्ति है जिसका जो व्यापारी है, उसका बहुत बड़ा व्यापारी है, उसका जहाज है जिसमें सामान लेके जा रहा है, सामान वो जहाज डूबने लगता है, तो देन ही प्रे टू गॉड एंड टू द गुरु, तो प्लीज सेव मी एंड प्लीज हेल्प मी रीचिंग पोर्ट सेफली। तो गुरु साहब उसकी अरदास सुनते हैं, जब वो पोर्ट पे जाता है देन फर्स्ट टाइम उसका फर्स्ट मन में ये बात आती है कि पहले गुरु साहब की वजह से मैं इस किनारे पे लगा हूँ, पहले गुरु साहब का शुक्राना करके आना है। देन ही केम टू बाबा बकाला आता है कि देखता वहां बहुत से गुरु बैठे हैं, बहुत से गुरु बैठे हैं, वो पांच पांच मोहरे रखे सबको मथा टेकता है। तो जब मथा टेकता है तो उसको लगता है कि जो मैंने अरदास में किया था, कहा था कि जो असल गुरु होगा वह मुझसे मांग लेगा कि आपने रज तो किया था 500 मोर्स एंड यू आर गिविंग मी जस्ट 5 मोर्स। तो जब वो जा रहा हर गुरु के पास जा रहा था तो कोई भी उसकी मन की बात नहीं जो सुन पा रहा था। गुरु साहब ने कहा कि आपने जो मन में अरदास की थी उस वक्त कि मैं 500 मोहरे गुरु साहब को चढ़ाऊंगा, तो देन ही केम टू नो दिस इज गुरु एंड ही शाउटेड कि गुरु लादो रे, गुरु लादो रे, आई हैव फाइंड द गुरु, फाइंड द गुरु, गुरु लादो रे। सो देन गुरु तेग बहादुर केम टू लाइट। तो जब गुरु साहब संगत में आते हैं तो जब उनके सामने पोस्टर होती है
उनमें एक उनके फैमिली के साथ रिलेशन है भाई धीरमल, वो धीरमल उसका मसंद वो अटैक करते हैं गुरु साहब के ऊपर, गोली चलाई जाती है, सामान लूट लिया जाता है गुरु साहब का, तो वो चले जाते हैं। ये उस वक्त का काम है जब गुरु साहब के पास बहुत कम लोग बैठे हैं वहाँ पर। Then, when भाई मकर शर्माना came to know that acted this type of job, then he retaliated to Dhirmal. उसके retaliation में वो सामान भी लाता है, उनको पकड़ के भी ले आता है, पकड़ के लाता है, तो गुरु साहब कहते हैं इनको माफ कर दो, माफ कर दो गुरु साहब। जब आपके ऊपर कोई अटैक कर दे उस वक्त उसको माफ करना, गोली चला दे आपके ऊपर। हम सड़क पे चलते हैं कुछ गाड़ी लगते किसी के साथ, हमारे मन में कैसे ख्याल आते हैं हम जानते हैं सभी लोग, पर जब कोई गोली चलाए किसी के ऊपर और पकड़ा भी जाए, सामने पेश हो जाए, पेश कर दिया जाए उसको, ये गुरु कर सकता है। सर हैविंग पब्लिकेशंस रिसेंट पब्लिकेशन ऑफ 25, वो माफ करने का क्या गुण है? टू बुक्स फोर बुक्स भाई सुखदेव सिंह जी एक सिक्स फादर है, बताते हैं कि माफ करने का क्या क्या गुण है। एंड मेंबर ऑफ भाई संतोष सिंह कहते हैं कि माफ करने का गुण है ये कि करनी क्षमा महातप जान, बहुत बड़ा तप है किसी को माफ कर देना, करनी क्षमा महातप जान, करनी क्षमा ही सर ऑलरेडी क्षमा करने ही देव दान दान दिया जाता है किसी को, जो क्षमा का दान दिया जाता है किसी को, ये बहुत बड़ा दान है। क्षमा सकल तीर्थ स्नान, सभी तीर्थों पर स्नान करने के बराबर है किसी को क्षमा कर देना, माफ कर देना। क्षमा कर नर की कल्याण, उस नर का कल्याण हो जाता है जो क्षमा करता है किसी को, माफ कर देना। क्षमा समान आन गुण ना ही, क्षमा के बराबर और कोई गुण नहीं है इस दुनिया में। गुरु साहब जाते हैं अमृतसर, अमृतसर जिसने दर्शन किए हैं आपको, आप में से हरमंदर साहब है, हरमंदर साहब के सामने अकाल तख्त, अकाल तख्त के साथ बना हुआ छोटा सा, उसका नाम है थड़ा साहब, थड़ा साहब वो गुरुद्वारा है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब आके बैठे थे। जब थे तो जो पुजारी थे उस वक्त हरिमंदर साहब के, उन्होंने सोचा कि कहीं आए हैं ये कब्जा ही न कर, यहाँ पर ही ना, तो वो ताले लगा करके चले गए थे, वहाँ बंद करके चले गए। मक्खन का दरवाजा कहने लगे कि गुरु जी आप फोन कीजिए, हम ये दरवाजा खोल देंगे इसको। गुरु साहब कहते नहीं, हमें ऐसा नहीं करना है, हम अपने बड़े जो गुरु साहबान हैं उनके स्थान के दर्शन करने आए थे, हमने दर्शन कर लिए, अब हम यहाँ से जाएंगे। तो बात ये थी कि किसी के साथ बैर विरोध की भावना नहीं रखनी है, इसमें तो मैसेज क्लियर मैसेज ऑफ गुरु तेग बहादुर साहब टू द ह्यूमैनिटी। सो उसके बाद गुरु साहब कीर्तपुर साहब आते हैं, कीर्तपुर साहब आने के बाद गुरु साहब उनका फैमिली कीर्तपुर साहब आके बैठे, वहाँ पर ही उनको पता चलता है कि राजा दीपचंद है कहली रियासत का राजा, उसकी रानी है चंपा देवी, राजे की डेथ हो गई है। गुरु साहब रानी के पास जाते हैं उसके अफसोस करने के लिए, गुरु साहब जाते हैं तो रानी चंपा को गुरु साहब यहाँ से शिफ्ट होना चाहते हैं, यहाँ नहीं रहना चाहते, तो रानी चंपा गुरु साहब को रिक्वेस्ट करती है कि आप कृपा कीजिए कि आप हमारी रियासत में रहिए, यहीं पर निवास कीजिए, यहीं पर रहिए आप। तो रानी चंपा ने जमीन देने की कोशिश की गुरु साहब को, गुरु साहब ने जमीन तो ले ली जो रानी चंपा चाहती थी देने को, और उसकी जो कीमत थी उस वक्त की वो रानी को जमा करवा दी। वहाँ पर जो स्थान बना उसका नाम आनंदपुर साहब है आज, जो गुरु साहब ने बिल्ड किया। गुरु साहब वेरी बिग सिटी नियर कीर्तपुर साहब, एंड दैट सिटी इज नाउ नोन एज आनंदपुर साहब, सो मोस्ट ऑफ यू मे हैव विजिटेड दैट प्लेस, आनंदपुर साहब दैट इज अ वेरी हिस्टोरिक सिटी इन सिख हिस्ट्री। सो देन गुरु साहब स्टार्टेड हिज ट्रैवल्स फ्रॉम आनंदपुर साहब टू द ईस्टवर्ड। बहुत से पंजाब में, पंजाब की मालवा बेल्ट ऐसी है, यहाँ पर
गुरु तेग बहादुर साहब के जो गुरुद्वारा साहबान बने हुए हैं वो डॉटेड है। इट मीन्स गुरु साहब यहाँ पर जो पुराने उस वक्त के गांव थे, शायद ही कोई गांव रहा होगा जहाँ पर गुरु साहब नहीं गए, जो पुराने गांव थे वहाँ पर सभी गांव में गुरु साहब के चरण पड़े हुए हैं, और जहाँ जहाँ पर गुरु साहब का पाँव पड़ा है वहीं पर गुरुद्वारा बना हुआ है। अभी आप भिंडा में हैं, भिंडा में सबसे जो बड़ा स्थान है यहाँ पर तलवंडी साबो है, यहाँ दूर नहीं यहाँ से तलवंडी साबो है, मौड़ मंडी है, डिख है, ये बहुत से गांव है भिंडा डिस्ट्रिक्ट में यहाँ पर गुरु साहब के पाँव पड़े हैं, वो गुरुद्वारा सब बने हुए हैं यहाँ पर। तो गुरु साहब धमदान साहब एक बड़ा सेंटर है सिखिज्म का उस वक्त का था, अब तो हरियाणा में है, अब तो नहीं है। उस वक्त गुरु साहब चाहते थे धमदान साहब हरियाणा में है तो वहाँ पर रहना चाहते थे कि इसको सेंटर बनाया जाए सिखिज्म का, तो पर वहीं पर गुरु साहब ने गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व मनाया था 65 में, 1665 की बात है। तो जो सरकारी रिपोर्ट है, जो सरकारी गजटियर हैं, वो कहते हैं कि गुरु नानक साहब के गुरुपुरब पर 30,000 के करीब सिख धमदान साहब गुरु साहब के पास आए थे गुरु नानक साहब का प्रकाश पर्व मनाने के लिए, ये 65 की बात है। तो यहाँ से गुरु साहब फिर आगे चले गए अपना ईस्ट की तरफ। तो कहा यह जाता है कि गुरु साहब को अरेस्ट किया गया था धमदान से, अरेस्ट करके दिल्ली ले जाया गया राजा राम सिंह। राजा राम सिंह के जो फोर फादर थे, दे आर द डिवोटीज ऑफ दी गुरु साहब, इवन इन दिल्ली यू मे नो द गुरुद्वारा बंगला साहब, दैट वाज द हाउस ऑफ जय सिंह। गुरु हरकृष्ण साहब स्टेड एट दैट प्लेस, नाउ दैट प्लेस इज नोन एज गुरुद्वारा बंगला साहब। सो दिस शोज के मतलब के जो राजपूत फैमिलीज हैं उस वक्त की, दे आर द डिवोटीज ऑफ द गुरु, गुरु तेग बहादुर साहब। तो जब गुरु तेग बहादुर साहब दिल्ली में गए, बादशाह की कष्ट जो उनके सिपाही थे गुरु साहब को ले गए, तो राजा राम सिंह ने जामनी दे करके, जमानत दे करके गुरु साहब को कि ये स्पिरिचुअल गुरु हैं, इनका पॉलिटिक्स के साथ कोई संबंध नहीं है, 30,000 लोग इकट्ठे हुए हैं धमदान साहब में। शायद राजा को ये लगता था उस वक्त कि एक फकीर के पीछे 30,000 लोग आए, शायद को पॉलिटिक्स होगी इसके पीछे। तो वो बात हो गई, क्योंकि बादशाह को सिर्फ इसी बात का डर रहता है कि कोई पॉलिटिक्स ना हो, क्योंकि राजा को यही होता है कि उसकी कुर्सी को खतरा नहीं खड़ा होना चाहिए, बाकी और जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी करो पर मेरी कुर्सी को टच नहीं करेगा कोई। तो इसलिए शायद गुरु साहब फिर उसके बाद आगे चले गए। कुछ स्लाइड्स हैं गुरुद्वारा साहिबान की, अगर वो हैं तो चला कि जहाँ जहाँ गुरु साहब गए हैं, कुछ गुरुद्वारा साहब की फोटोग्राफ्स हैं जो भी आपको दिखाना चाहता हूँ, तो आपको समझ आए कि गुरु साहब लगभग पंजाब से लेकर के बांग्लादेश तक, मतलब मॉडर्न बांग्लादेश, तो वहाँ तक के जो गुरु साहब के जो हिस्टोरिकल प्लेसेस बनी हुई हैं उनका ब्रीफ है। तो दीज आर सोर्सेस फ्रॉम विच वी कैन वी केम टू नो दैट एट विच प्लेसेस गुरु साहब स्टेड। ये जो सोर्सेज हैं जहाँ से गुरुद्वारों के सोर्सेज हैं कि यहाँ यहाँ पर गुरु साहब रहे थे। नेक्स्ट, ये प्लेसेस हैं, ये 19th सेंचुरी का सोर्स है, पता चलता है कि 120 प्लेसेस थे उस वक्त, अबाउट 120 प्लेसेस यहाँ पर गुरु साहब के गुरुद्वारा बने हुए हैं। नेक्स्ट, ये 1976 का सोर्स है, तो 1976 में पर वहाँ पर 181 जो प्लेसेस हैं जहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब के जो रिलीजियस प्लेसेस हैं। नेक्स्ट, ये मालवा है, ये देखिए मालवा, ऊपर देखिए आनंदपुर साहब, एक्चुअली द मैप इज इन पंजाबी लैंग्वेज, तो आनंदपुर साहब, कीरतपुर साहब, भरतगढ़, ये सभी मालवा के गांव हैं जितने हैं, कितने गांव हैं मालवा में जहाँ जहाँ गुरु साहब की प्लेसेस बने हुए हैं, गुरु साहब के गुरुद्वारे बने हुए हैं, और गुरु साहब के श्रद्धालु इन गाँव में मौजूद थे उस वक्त जहाँ जहाँ पर भी ये बने हुए हैं। नेक्स्ट, ये है यूपी, बिहार, बंगाल, ढाका एंड असम, ये स्टेट्स हैं जहाँ जहाँ गुरु साहब के हमें जो प्लेसेस हैं गुरुद्वारा मिलते हैं। नेक्स्ट, हाँ ये फर्स्ट है, ये मथुरा का है, जो मैंने शुरू किया मथुरा से शुरू किया, पंजाब के बहुत सारे हैं, उसका दिखाने लगे तो शायद 2-3 दिन लग सकते हैं। ये कुछ मेन मेरा आपको दिखाना चाहता हूँ, ये मथुरा का है, मथुरा जी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल साथ ही है, ये लगभग 1 किलोमीटर दूर होली बाजार या होली गेट के पास ही है गुरुद्वारा,
मथुरा गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहब, यहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब भी गए, गुरु गोविंद सिंह जी भी गए। गुरु गोविंद सिंह जी के जो महल थे, माता सुंदरी जी, माता साहब देवा जी, वो भी गए। भाई गुरदास जी, ही वॉज द डिवोटी ऑफ द थर्ड गुरु, वो भी स्थान पे गए। दिस इज वेरी हिस्टोरिक प्लेस इन मथुरा। ये वही है गुरुद्वारा, ये अंदर का सीन है। नेक्स्ट। हाँ, ये मथुरा में ही है। ये है गुरुद्वारा गायघाट। गायघाट में अब गुरुद्वारा नहीं है, वहां पर उदासी डेरा है। बहुत सोर्सी में ये पता चलता है कि ये गुरुद्वारा गुरु साहब यहाँ पर गए थे। तो जब हम गए थे तो यही एक पुरानी चीज बची हुई है वहां पर, जिसके नीचे खड़े होके हमने एक पंडित जी को, पंडितों के पास से मैं सुनता हूँ कि बहुत सा खजाना होता है। अगर आपने हिस्ट्री के ऊपर सर्च करनी है या अपनी फैमिली के ऊपर सर्च करनी है तो आपको पंडितों के पास जाना पड़ेगा। दैट वे दे आर वेरी ग्रेट पीपल। तो पंडितों के पास जाओगे तो उनके पास बहुत बड़ी बड़ी वाइयाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी वो बुक्स हैं जिसमें वो रिकॉर्ड रखते हैं कि आपके दादा, परदादा, नकरदादा, फैमिली लिनेज वो कहाँ शुरू होती है, कहाँ तक आती हैं, आप कौन से हैं, आपके कौन से बुजुर्ग थे, ये उन्हीं के पास है। इसी जो दिखाई दे रहा है ना, इसी के नीचे खड़े होकर मैंने एक पंडित जमुना दास जी, उनसे पूछा था कि गुरुद्वारा साहब के बारे में बताइए, किसी को नहीं पता था तो पंडित जी ने मुझे बताया। ये है गुरुद्वारा था, यहाँ पर उदासी संत बैठते थे। यहाँ पर जो गेट लगा हुआ है, इसके अंदर गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश था। तो ये बाहर सड़क है, इसके ऊपर है कंसटिल्ला, इसकी निशानी है कि इसके साथ ही कंसटिल्ला है। दैट इज द फेमस इन मथुरा कंसटिल्ला। तो इसी प्लेस पर हम खड़े देख रहे थे। तो जब वो उदासी संत 1978 में वो चले गए, गुजर गए, तो गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश हटा दिया यहाँ से। एक सिंधी फैमिली है मथुरा की, उन्होंने इसके अंदर नेक्स्ट। हाँ, ये पंडित जी हैं जिन्होंने मुझे बताया है। ये सिंधी फैमिली ने क्या किया, वहाँ पर एक मूर्ति लगा दी ताकि वो कब्जा ना कर ले इसके अंदर, इस प्लेस के ऊपर। तो वो मूर्ति किसकी है बता सकता है कोई आप मुझसे? ये मूर्ति बाबा श्री चंद की, गुरु नानक देव जी के सपुत्र थे बाबा श्री चंद, उनसे चली आगे उदासी ट्रेडिशन। तो बाबा श्री चंद की मूर्ति है, देखने में ये सबको लगेगा कि शायद ये कोई हिंदू मंदिर है। ये बाबा श्री चंद की मूर्ति है, ये वहाँ की जो सिंधी फैमिली थी उनको लगता था कि हम इसको, वैसे तो हम इसको शायद बचा नहीं पाएंगे, अगर एक मूर्ति रख दें तो शायद इसके अंदर ही जाएगा कोई। तो उन्होंने इस बाबा श्री चंद की मूर्ति टिका दी इसके अंदर, को उदासी दे रहा है ये। नेक्स्ट, ये है जो पहले उदासी संत थे जो गुरु ग्रंथ साहब को। तो ये आगरा है, ये आगरे की है। नेक्स्ट। हाँ, ये है माई जस्सी, इसको बोलते हैं माई जस्सी। गुरु साहब गए थे तो बहुत से श्रद्धालु गुरु साहब गए थे जो चाहते थे कि हम उम्र के उस पड़ाव में पहुंच चुके हैं, हम गुरु साहब के दर्शन करने लेकिन नहीं जा सकते। तो हम चाहते हैं गुरु साहब आए, हमें दर्शन दें, हमारा जीवन सफल हो जाए, वो चाहते थे। तो देन गुरु साहब वेंट टू दिस लेडी, शी इज नोन एज माई जस्सी, दिस प्लेस इज इन आगरा, एंड नेम ऑफ द गुरुद्वारा इज गुरुद्वारा माई थान। जो माई है, जो माता जी है, वो एक थान भेंट कर रही है गुरु साहब को। थान है कपड़े का, उसने अपने हाथ से बुना है, वो चाहती है कि मैंने हाथ से बुना है या गुरु साहब अपने वो खुद आके ग्रहण करें उसको। तो गुरु साहब जब जाते हैं तो माई जी उसको, माता जी उसको देते हैं वो थान कपड़े का। तो इसे गुरुद्वारा का नाम है गुरुद्वारा माई थान। नेक्स्ट, ये गुरुद्वारा माई। नेक्स्ट, ये सबसे बड़ा गुरुद्वारा है आगरे का, गुरुद्वारा गुरु का ताल। गुरु का ताल है गुरुद्वारा। यहाँ पर ये माना जाता है गुरु तेग बहादुर साहब की यहाँ पर अरेस्ट हुई थी, जो कुछ सोर्स हमारे ये कहते हैं कि यहाँ पर अरेस्ट हुई थी गुरु साहब की। तो आफ्टर लॉन्ग टाइम सम सिक्स क्रिएटेड गुरुद्वारा एट दिस प्लेस। तो पहले तो ये बहुत वीरान था, बट संत मोली जी आए, देन ही कंस्ट्रक्टेड ए वेरी ह्यूज बिल्डिंग ऑफ दिस गुरुद्वारा। नाउ दिस गुरुद्वारा इज नोन एज गुरु का ताल इन आगरा। ये इटावा का गुरुद्वारा। नेक्स्ट, ये भी गुरुद्वारा। हाँ, ये देखिए, ये गुरुद्वारा है, इटावा में ही है ये। इटावा में दो गुरुद्वारे हैं, एक उदासियों के पास है, एक है जो गुरुद्वारा जो आजकल जो सिख समझते हैं कि ये परंपरा का नहीं रखते, ये मर्यादा नहीं रखते, तो अलग से गुरुद्वारा बनाया हुआ है, वो पहले वाला गुरुद्वारा है। ये पुराना गुरुद्वारा है, ये उदासियों के पास था। तो उदासी अपने हिसाब से, अपने ढंग से मर्यादा का पालन जो वो अपने हिसाब से करते थे,
गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी किया हुआ था और बहुत सी मूर्तियां पड़ी हुई थी हिंदू देवी देवताओं की। तो सिख नौजवानों को लगा कि शायद ये गुरु ग्रंथ साहब की मर्यादा के अनुकूल नहीं है, ठीक नहीं है, तो उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब को प्रकाश हटा दिया था। पर मूर्तियां भी पड़ी हैं वहां पर, उनमें से गुरु नानक साहब की मूर्ति है, ये देखिए गुरु नानक साहब मूर्ति बनाई हुई है उसने, कि हम ऐसे ही गुरु साहब का स्थान मानते हैं, गुरु साहब को, गुरु ग्रंथ साहब नहीं रहा तो भी कोई बात नहीं, पर हम ये मूर्ति रखेंगे वहां पर, प्लेस उनके पास ही। नेक्स्ट, ये भी है, ये श्री चंद्र की है, श्री चंद्र की है ये मूर्ति। नेक्स्ट, हाँ ये है गुरुद्वारा कानपुर में है, सरसैया घाट में गुरुद्वारा संकट हरण दुखहरण। तो नेक्स्ट, ये गुरुद्वारा गंगा के किनारे है, बिल्कुल गंगा के किनारे। नेक्स्ट, ये भी गुरुद्वारा अंदर है सरसैया, ये सरसैया घाट का गुरुद्वारा है। नेक्स्ट, ये लखनऊ का गुरुद्वारा है, लखनऊ में यही है गंज में, बहुत छोटा सा, छोटी सी प्लेस थी, उसी को डेवलप करके सिखों ने क्या किया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा मनालिया गुरु तेग बहादुर साहब के याद में। ये बिल्कुल बाजार के बीच में ही है, जाना आना थोड़ा मुश्किल भी है, पर अंदर काफ़ी खुला है अंदर गुरुद्वारा अंदर से। ये देखिए, ये है हुकुनामे गुरु साहबान के, जो गुरु साहबान के ये हुकुनामे है, यहाँ पर जो प्रोमिनेंट सिख रहते थे उनको हम प्रचारक बोलते थे, मसंद बोलते थे, कि समय के ये मसंद हैं, ये इसको देवर डिप्यूटेड है डिफरेंट प्लेसेस टू पूरी सिखिज्म बाय द गुरुज। तो गुरु साहब ने जब यहाँ पर जो लखनऊ में था, इनको भी गुरु साहब ने प्रचारक थे, उनको हुकुनामा भेजते थे गुरु साहब, ये निशानी है गुरु साहब की, वहाँ पर अभी उन्होंने संभाल कर रखी हुई है, ये गुरुद्वारे के अंदर पड़े हुए। नेक्स्ट, ये है अयोध्या का गुरुद्वारा, अयोध्या में तीन गुरुद्वारे हैं वहाँ पर बिल्कुल साथ साथ में, इन द सेम प्रसिंक्ट, एक तो है गुरु नानक साहब का है, एक गुरु गोबिंद सिंह जी का है, एक गुरु तेग बहादुर साहब का है, ये गुरु तेग बहादुर साहब का है, इसके नीचे एक अंडरग्राउंड सेल बना हुआ है जिसको हम भूरा कहते हैं, अंडरग्राउंड सेल है वहाँ पर, वो दैट इज द मेमोरी ऑफ गुरु तेग बहादुर साहब, ही केम टू दिस प्लेस एंड रेस्टेड एट दिस प्लेस, सो व्हेन द सिक्स कंस्ट्रक्टेड दिस गुरुद्वारा एंड दे प्रिजर्व दैट प्लेस इन द नेम ऑफ गुरु तेग बहादुर साहब। नेक्स्ट, ये है, ये नीचे का है अंडरग्राउंड सेल है जो गुरुद्वारा के नीचे बना हुआ है, इन द नेम ऑफ गुरु तेग बहादुर साहब। नेक्स्ट, ये इलाहाबाद में है, तो आप देखिए कि बल्कि जहाँ जहाँ गुरु साहब गए हैं वहाँ वहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब वहाँ पर गए हैं जहाँ जहाँ पर पहले गुरु नानक साहब गए थे, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी संगत इस्टेब्लिश थी, तो जहाँ जहाँ गुरु नानक साहब गए थे वहीं वहीं पर जाके उस संगत को स्ट्रेंथन करना है। और बहुत से लोग गुरु साहब के पास आते थे कि हमें भी अपना सिख बना लीजिए, सिक्खी फैलती गई, गुरु साहब वहीं पर रहते थे, 5 साल गुरु साहब ईस्ट इंडिया में रहे हैं, और 5 साल में जो गुरु साहब की वाणी है वो सारी लिखी हुई है, उसमें है ब्रज लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज देवनागरी कहते हैं, अब हम पढ़ते हैं उसको तो हमें उसका जो है साथ में डिक्शनरी रखनी पड़ती है, ब्रज की डिक्शनरी रखनी पड़ती है, या कुछ और डिक्शनरी देखेंगे तो मीनिंग समझ आता है उसका। जब बिहार के लोग इसको पढ़ते हैं, यूपी के लोग इसको पढ़ते हैं इस वाणी को, गुरु साहब की वाणी को, देन दे नीड नो डिक्शनरी, नो कोश, नो एनसाइक्लोपीडिया, दे नीड नो बुक, जस्ट टू अंडरस्टैंड द वाणी ऑफ गुरु तेग बहादुर साहब। जैसे गुण गोविंद गायो नहीं जन्म एकारत कीन, कहो नानक पज हर मना जेब जल को मीन, बिखियन सो काहे रचियो निमखना हो उदास, कहो नानक पज हर मना। मतलब ये ऐसी बाणी है गुरु साहब की, कोई शब्द ले लो गुरु साहब का, जिसमें आपको पता चलेगा कि इसमें देवनागरी हिंदी टच है, ब्रज का टच है उसमें, ब्रज है जो बेसिक लैंग्वेज है वहाँ बिहार में, तो वहीं की वाणी है जो रहते, को गुरु साहब वहाँ पर रहे, वहीं के लोगों को समझाना था कि व्हाट गुरु नानक साहब प्रीच टू द मासेज इन द नेम ऑफ गॉड, दिस मैसेज वॉज कैरीड आउट बाय द गुरु तेग बहादुर साहब एट डिफरेंट प्लेसिस आफ्टर गुरु नानक देव जी, एंड दिस प्लेस इज नोन एज इलाहाबाद। उन्होंने पक्की संगत, गुरुद्वारे भी आप देखेंगे तो वो डिफरेंट संगत के नाम से बने हुए हैं, छोटी संगत, बड़ी संगत, पक्की संगत, ऐसे गुरुद्वारे बने हुए हैं सभी ईस्ट इंडिया में। नेक्स्ट, ये मिर्ज़ापुर का गुरुद्वारा है, मिर्ज़ापुर में है गुरुद्वारा, तो मिर्ज़ापुर में ये अभी भी वहीं पर नदी के किनारे ये गुरुद्वारा है, ये को गुरु साहब रहे नदी के, गंगा के आसपास, जहाँ गंगा जाती थी उसके पास आसपास रास्ता यही था, या जो नदी के साथ साथ रास्ता वो होता था, या फिर शिप से अपना शिप से चलते थे, या चलते थे बोट से, वो पानी में चलेगी, तो इसलिए जितने भी गुरुद्वारे मिलेंगे पुराने समय में आपको
वो नदी के किनारे मिलेंगे, गुरुद्वारे मिलेंगे वो भी गुरुद्वारे नदी के किनारे मिलेंगे। अभी जो गुरु साहब ने नए नगर बसाए वो भी नदी के किनारे हैं, जो भी पुराने जो नगर हैं जो सिटीज हैं दो दूर एस्टेब्लिश बाय द गुरु साहबान। तो नेक्स्ट ये भी भैया मिर्जापुर का ही है, ये घर है, ये घर है किसी का वही मिर्जापुर में, जो साधु महंत रहते हैं अपने घर के अंदर ही उन्होंने गुरुद्वारा बनाया हुआ है, जो संगत रहती है उन्हीं के पास है, उनके घर में ही जाकर रहती है। तो नेक्स्ट ये निजामाबाद की है, गुरुद्वारा है चरण पादुका, चरण पादुका गुरुद्वारा है। और वहाँ गुरुद्वारे में एक परंपरा चलती रही लंबे समय तक कि गुरु ग्रंथ साहब को हाथ से लिखना है, हाथ से लिखने की, कम से कम अभी जो वहाँ पर प्रदर्भ की हुई है जो गुरु ग्रंथ साहब के कोडेक्स जो जो प्रदर्भ किए हुए वो लगभग 25 के करीब हैं गुरु ग्रंथ साहब के, 6 जो उसके हैं दसम ग्रंथ साहब के, और ये उर्दू का है, उर्दू का भी है वहीं पर किसी ने ये छपा हुआ है, ये छपा हुआ है, पर इसको उन्होंने ये लिखा हुआ है कि मैंने गुरुमुखी के हिसाब से इसको दुरुस्त किया हुआ है, नीचे लिखा हुआ है गुरुमुखी जो है ना उसे दुरुस्त करके इसको उर्दू में छापे गए छापा गया है ये। नेक्स्ट ये निजामाबाद में है, ये है गुरुद्वारा चरण पादुका, यहीं पर गुरु तेग गुरु अमरदास जी के डिसेंडेंट थे भाई सुमेर सिंह, एंड ही रिमेन इन पटना साहब एज ए महंत फॉर अ लॉन्ग टाइम। सो वो यहीं रहते थे, उन्होंने एक्चुअली यहाँ पर टकसाल खोली थी कि गुरु ग्रंथ साहब को हाथ से लिखाने की, तो उन्हीं के समय में यहाँ पर गुरु ग्रंथ साहब लिखे गए, हाथ से लिखे जाते थे और अभी प्रचार भी किए हुए हैं बहुत से उसमें। नेक्स्ट ये है बनारस का गुरुद्वारा नीची बाग, ये बिल्कुल बाजार के अंदर है गुरुद्वारा नीची बाग, बनारस का गुरुद्वारा है। नेक्स्ट ये देखिए पुराना गुरु साहब का है चोला, गुरु तेग बहादुर साहब का, जो गुरु साहब जो संगत उस वक्त रहती थी बनारस में, गुरु साहब गए बनारस में रुके काफ़ी लंबे समय, कुछ रहे वहाँ पर बनारस में, तो वहीं पर आसपास की जो संगत थी गुरु साहब के दर्शन करने आती थी। वहीं पर जौनपुर से एक सिख आए थे, मसंत थे सिख, सिख प्रचारक थे भाई गुरबख्श, वैन ही केम टू गुरु साहब एनी परफॉर्म कीर्तन, तो गुरु साहब वॉज डिलाइटेड आफ्टर लिसनिंग हिज कीर्तन, एंड गुरु साहब ने उसको फिर क्या किया उसको मृदंग दे दिया अपना, तो मृदंग दे दिया, पर गुरु साहब के जो वस्त्र थे वहीं पर रह गए, जो गुरु साहब जो पुराने वस्त्र गुरु साहब के, ये वस्त्र उनमें से एक है। नेक्स्ट ये गुरु साहब के हुकुनामे है जो बनारस की संगत को लिखे हैं गुरु साहब ने, गुरु गोविंद सिंह जी के हुकुनामे हैं, गुरु तेग बहादुर साहब के हुकुनामे हैं जो गुरु साहब ने लिखे हैं वहाँ पर, अभी प्रिजर्व किए हुए हैं यहाँ पर बनारस में। नेक्स्ट ये है चाचा फग्गूमल का गुरुद्वारा, चाचा फग्गूमल ही वॉज द डिवोटी ऑफ गुरु तेग बहादुर साहब एंड हिज प्रीडिसेसर्स आल्सो, व्हेन ही केम टू नो दैट गुरु साहब इज विजिटिंग टू द ईस्ट इंडिया एंड ही रिक्वेस्टेड द गुरु साहब टू प्लीज कम टू मी, तो गुरु साहब ने तब उसको दर्शन दिए थे भाई चाचा फग्गूमल को, वो बहुत बुजुर्ग थे चल फिर सकते थे, गुरु साहब इसको दर्शन करने आए इसके पास है। तो जैसे चलता था कि जब कोई बड़ा आदमी आता है, हम भी जब गुरुपुर मनाते हैं तो हम उग्राही करते हैं कि पैसे एकत्र किए लोगों से और उससे प्रसाद बनाया, लंगर बनाया, संगत को छकाया और गुरु साहब को बेटा भी किया, यही परंपरा उस वक्त भी थी। तो चाचा फग्गूमल के पास जब गुरु साहब गए तो चाचा फग्गूमल के साथ जो सिख थे प्रोमिनेंट, उन्होंने इलाके के जो लोग थे वहीं से उनको उग्राही कहते हैं, जो पैसे लेना कि गुरु साहब आ रहे हैं, उनकी जो दसवंध है, दसवंध की प्रथा चलती थी सिख में कि आप गुरु के निमित्त जो है वो दे दीजिए, तो सब ने कुछ ना कुछ दिया। एक माता थी बहुत बुजुर्ग, उसके पास कुछ नहीं था, बहुत गरीब औरत थी, तो वो गरीब औरत थी तो उसको बोला आप ही दीजिए कुछ, वो कहने की मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने को गुरु साहब के पास के लिए, उसके पास वो बेरी के कुछ गिटके गिटक पड़ी थी सीड्स ऑफ द मतलब बेरी, तो उसने वो ही दे दी। तो जब गुरु साहब वहाँ पर गए चाचा फग्गूमल के पास, तो संगत ने जो प्रेजेंट थे बहुत एक्सपेंसिव प्रेजेंट थे वो गुरु साहब को भेंट किए, तो गुरु साहब सभी फ्रेंड्स जो बेटा आई है सभी देख रहे हैं, कोई बस्तर लेके आया है, कोई शस्त्र लेके आया है, जो भी लेके आया है उसको देख रहे हैं। गुरु साहब ने देखा कि वो चीज़ नहीं जो माता जी ने दी थी, तो गुरु साहब ने उनको कहा कि जो माता जी ने आपको दिया था वो लेके आइए, वो लेके जाना नहीं चाहते थे, उनको लगता था वो गिटके हैं बेरी की, गिटक क्या लेके जाएं,
तो वो गिटक लेके आए, जब गुरु साहब ने वो उस गिटक को बेदी को यहीं पे लगा दिया। आगे करिए, नेक्स्ट ये चाचा फुगुमल की है, उनके जो वुडन सैंडल्स हैं, उनकी रोजरी है चाचा फुगुमल की। नेक्स्ट, ये शस्त्र हैं जो गुरु साहब के साथ सिख थे उनके पास होते थे, जो गुरु साहब के प्रोटेक्ट करते थे, तो उसमें कुछ शस्त्र गुरु साहब के सिख ने वहीं पर उनको जो संगत आई थी भेंट किए थे, ये भी प्रदर्शित किए वहां पर। नेक्स्ट, ये बेरी है जो गिटक गुरु साहब ने जो को दी गई थी, गुरु साहब ने वहीं पर प्लांट कर दी थी। तो ये बेरी बड़ी हो गई, अब इसकी ये उतनी पुरानी है जितनी अमृतसर वाली बेरी है। अमृतसर दरबार साहब में जाते हैं वैसे इसको प्रदर्शित किया गया, ये बेरी है वो, इसका प्रसाद लेके जाते हैं लोग, जो बेर निकलते हैं, बेर गिरते हैं, इसका प्रसाद लेके जाते हैं। ये बेरी है अभी 300 साल से ज्यादा पुरानी हो गई ये बेरी। नेक्स्ट, ये बेरी है, ये देखिए आप क्या हालत है इस बेरी, कैसे उसको प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट, ये ऊपर से है ऊपर। नेक्स्ट, ये देखिए 350 शताब्दी से खड़े हैं बेर साहब, खबरें निरंतर वहां पर चलती रहती हैं ऐसी, ये जो बेर कितने पुराने हैं, गुरु साहब आए थे। ये एक मैसेज है कि हमें वेस्ट में से प्रोड्यूस कैसे क्या करना है, ये मैसेज भी है। साइंटिस्ट लोग बैठे हैं यहाँ पर, जो भी बैठे होंगे वो समझे, जो व्हाट वी कैन प्रोड्यूस आउट ऑफ वेस्ट, दिस इज द मैसेज ऑफ द गुरु, यू कैन प्रोड्यूस एनीथिंग फ्रॉम आउट ऑफ द वेस्ट। तो हम तो पुराड़ी से भी कुछ बनाने की सोच रहे हैं, बिजली बन जाए या और भी किसी चीज़ से कुछ बन जाए, अभी कूड़े से कहते हैं उससे बिजली बनानी चाहिए। तो ये भी एक मैसेज है गुरु साहब का, यू कैन प्रोड्यूस एनीथिंग फ्रॉम द वेस्ट। तो वेस्ट कुछ भी नहीं होता सोसाइटी में, दुनिया में कोई वेस्ट कुछ भी नहीं है, आपको उसको यूज करना आना चाहिए। तो दिस वाज द मैसेज ऑफ द गुरु साहब एट द प्लेस। नेक्स्ट, तो ये माता जी हैं, ये माता जी हैं उषा देवी विशादिन का नाम, वो मुझे शस्त्र दिखा रहे थे तो माता जी आए वहां पर बैठे, तो मैंने उनसे पूछ लिया, वो बैठे थे जहां पर गोलक होती है वहां पर सफाई कर रहे थे, तो मैंने पूछा ये माता जी क्या करते हैं यहां पर, मैंने कल भी देखा था परसों भी देखा था, ये माता जी यहीं बैठे रहते हैं गोलक के पास ही, वो जो ग्रिल है उसको साफ करते रहते हैं। तो माता जी उठ के आ गए, माता जी कहने लगे कि मेरा नाम उषा देवी है, कह रहे कि हम बच्चे थे छोटे छोटे, जो इसने बात बताई कि बच्चे थे छोटे छोटे, हमारी माम बोलते थे कि यहाँ पर गुरु साहब आते हैं, गुरु साहब आते हैं रात को सपने में, उनके घोड़े की आवाज़ आती है रात को, घोड़े की आवाज़ आती है आपको सुनाई देती है, तो हम कहते थे हमें सुनाई नहीं देती। तो हमारी माँ कहने लगी कि आप गुरु साहब के गुरुद्वारे जाया करो, आपको वो घोड़े की आवाज़ सुनाई देगी रात को, गुरु साहब आते हैं। तो कह लगी हम गुरुद्वारे जाना शुरू कर दिए, जब गुरुद्वारा जाना शुरू कर दिए तो कुछ दिन बाद माता जी ने फिर पूछा कि रात को गुरु साहब आए थे आपको आवाज़ सुनाई दी, तो हमने कहा हमें तो सुनाई नहीं दी। तो हमें माता जी ने कहा कि गुरुद्वारे गए जाते हो आप शाम को, तो हमने कहा जाते हैं, वहाँ से प्रसाद लिया है, हमने कहा नहीं लिया, हम मथा लेके आ जाते हैं। तो हमारी माता ने कहा जब गुरुद्वारे जाओ तो प्रसाद लेके आना है वहाँ से, वो बचपन का वो दिन और ये 65 ईयर रोड ही जब मुझे मिली थी, ये कहती कि मैं आज तक गुरुद्वारे ही रहती हूँ, गुरुद्वारे में आती हूँ, गुरुद्वारे में सेवा करती हूँ, हमारे बच्चे हो गए, बच्चे शादी हो गई इसी गाँव में, बच्चे हो गए, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई, अब जो रिलेटिव मिलने आते हैं हम गुरुद्वारे में आते हैं मिलने वास्ते, मिलने के लिए हमें। तो दिस वाज द डिवोशन ऑफ द लोकल पीपल, ये लोग मानते हैं गुरु तेग बहादुर साहब को पिताजी, ये जब भी बात करेंगे तो कहेंगे पिताजी, पिताजी को मिलने आए हैं, पिताजी के दर्शन करने आए हैं। हमारे लिए पिताजी गुरु गोविंद सिंह जी हैं, माता साहब जी देव माता साहब कौर माता जी हैं, इनके लिए पिताजी गुरु तेग बहादुर साहब हैं, इनके लिए गुरु गोविंद सिंह जी तो अभी बच्चे हैं, इन्होंने पटना साहब देखा है गुरु साहब को, उसी उम्र का भी इनके मन में ये है कि ये गुरु साहब बच्चे हैं, गुरु तेग बहादुर साहब पिताजी हैं और गुरु ग्रंथ साहब बड़े साहब हैं इनके लिए, ये जब भी बात करेंगे ये बड़े साहब हैं, गुरु ग्रंथ साहब बड़े साहब हैं। बड़े साहब का मतलब है कि जब भी कोई जन्म होता है किसी का, कोई मर जाता है, कोई काम अच्छा करना है, कोई संकट आ गया तो पिताजी के पास जाना है, बड़े साहब जी को मथा टेकना है, तब वो सभी दुख दूर हो जाएंगे। दिस इज वर्ष सेट टू मी। नेक्स्ट, ये भी अभी वहीं पर है गुरुद्वारा, गुरु तेग बहादुर साहब का ही है, ये बाग है गुरु साहब का, काफी बड़ा बाग है, इसी के अंदर गुरुद्वारा बना हुआ है, उदासी संतों के पास है गुरुद्वारा। नेक्स्ट, ये है अंदर की पोजीशन है गुरुद्वारा साहब की। नेक्स्ट, ये प्रकाश किया हुआ है गुरु साहब का,
गुरु ग्रंथ साहब का वही पर नेक्स्ट ये घोड़ा है। अब क्या है कि जब डिफरेंट गुरुद्वारे में डिफरेंट तरह की जो कहते हैं कि कस्टम्स हैं जहाँ लोगों के डिफरेंट उनकी मान्यता है कि हम गुरुद्वारे में आते हैं कुछ लेने के लिए आते हैं, हम गुरु साहब को बोलते हैं, रोज अरदास होती है, दिन में दो बार होती है, तेग बहादुर सिमरे हैं, कर नौने दिया वहता है, या गुरु तेग बहादुर साहब का सिमरन करने से सभी खजाने मिलते हैं, सभी जो भी मन में शुभ इच्छा होती है वो मिल जाती है हमें, हम दिन में दो बार बोलते हैं। तो एक सेठ जी थे, उनका बच्चा नहीं हो रहा था, वो इस स्थान पे आकर के मथा टेकते थे, तो जब बच्चा वो घोड़ा चला के गए थे, ये घोड़ा उनका है, सेठ नीचे लिखा हुआ है, सेठ साहब का नाम भी लिखा हुआ है, तो उनका ये गुरु साहब की बख्शिश से मेरे घर जो आगे चला है। नेक्स्ट ये है उनका राम अवतार सेठ, पत्नी कस्तूरबा देवी, खिड़की घाट सासाराम ने गुरु तेग बहादुर के तपस्थली गुरु के बाग में इस घोड़े की सेवा की है। ये नेक्स्ट ये टकसाल संघ, ये भी साथ में है गुरुद्वारे। नेक्स्ट नेक्स्ट ये देखिए ये तस्वीर, ये गुरु साहब का शब्द ऊपर लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ है गुरु साहब के, अपना श्लोक लिखा हुआ है, शब्द लिखा हुआ राम सिमर राम सिमर, यह तेरे काज है जैजावंती राग में। ये रेलवे स्टेशन के बाहर, रेलवे स्टेशन के ऊपर ये लगे हुए हैं, ये ऐसे बोर्ड यहाँ पंजाब में नहीं आपको मिलेंगे किसी गुरुद्वारे का बोर्ड, बिहार में के बोर्ड सभी रेलवे स्टेशन के ऊपर डिस्प्ले किए हुए हैं। नेक्स्ट ये काड़ाकोला रेलवे स्टेशन है। नेक्स्ट ये काड़ाकोला रेलवे स्टेशन जो है वो काड़ाकोला गुरु नानक देव जी की जो के पास जो के नाम से जमीन है वहीं पर बना हुआ है, इसीलिए उसका नाम काड़ाकोला रखा हुआ है। नेक्स्ट ये गया का है आश्रम, उदासीन आश्रम है। नेक्स्ट नेक्स्ट ये भी गया था वही उदासीन, ये हालत हो गई है कुछ गुरुद्वारा की, ये भी हालत हो गई है। नेक्स्ट नेक्स्ट अभी मुझे ये बहुत सी स्लाइड्स हैं, अभी दिखाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, कुछ सम अप करना चाहता हूं आपको कि ये दिखाने का पर्पज़ क्या था कि गुरु साहब जब ईस्ट इंडिया की ट्रैवल कर रहे थे तो ट्रैवल के दौरान गुरु साहब को पता चला कि बादशाह औरंगजेब ने ऐसा फरमान जारी कर दिया 1669 में व्हेन गुरु साहब वाज इन द ईस्ट, जिसमें उसने ये फरमान जारी कर दिया कि मंदिरों को गिरा दिया जाए और धर्मों के धर्म स्थलों को गिरा दिया जाए और मस्जिदें वो खड़ी कर दी जाए, मस्जिदें बनवा दिए। सबसे पहले असर हुआ गुजरात में और उड़ीसा में, ये दो बड़े जो स्टेट्स हैं इनके ऊपर शुरू हुआ असर। देन इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम कश्मीर, तो गुरु साहब को पता चला तो गुरु साहब ईस्ट इंडिया की जर्नी को छोड़ करके वापस आए बहुत तेजी से, पंजाब की तरफ आए, पंजाब में आए, पंजाब में आके मालवे में, ये मालवा एरिया जो है सारा और बांगर का इलाका, अभी हरियाणा बन गया उसको बांगर का इलाका बोलते थे। गुरु साहब ने ट्रैवल्स की इस इलाके में सारे ट्रैवल्स करके गुरु साहब ने एक ही मैसेज दिया कि धर्म नहीं छोड़ना, अपना अपने धर्म के ऊपर कायम रहना है, बादशाह जो मर्जी कहे जो मर्जी करे जितना मर्जी अत्याचार करे उसकी हर प्रोसिक्यूशन को बियर करना है और अपने धर्म में पक्के रहना है। तो दिस वॉज द मैसेज ऑफ द गुरु मैन गुरु साहब ट्रैवल इन दिस रीजन। इसके बाद गुरु साहब चले गए आनंदपुर साहब, तो आनंदपुर साहब में कश्मीरी पंडित आए, जैसे पहले आपने हमने बात की थी कि कश्मीरी पंडित, क्योंकि उन्होंने क्या किया था जब मंदिर गिराए थे तो मंदिरों में केशव अपना मथुरा का मंदिर भी था, उसमें बनारस का बड़ा जो काशी विश्वनाथ टेम्पल है वो भी गिरा दिया था। मैं जब वहाँ पर गया तो पंडित जी मुझे समझाने लगे कि ये मंदिर दिखाता हूँ मैं, मेरे साथ एक और आदमी था वो कहने लगा रहने दीजिए हमें ही दिखा दूंगा आपका, ये तो लूट लेगा आपको पंडित जी, ये लूट लेगा मंदिर दिखाने के बहाने में। तो मैंने कहा कोई बात नहीं दिखाने दो, उन्होंने दिखाया ये है पिल्लर है, ये रंजीत सिंह ने लगाया था, ये सोने का पिल्लर है, ये भी सोने का पिल्लर है, ये भी रंजीत सिंह ने दिखाया पाया, वो घुमा घुमा के बाहर ले आया, ये बहुत बड़ा देखा नंदी बना हुआ है बैल, बहुत बड़े नंदी की वो पत्थर का बना हुआ है, उसका मुंह मस्जिद की तरफ है जो मस्जिद बनी हुई है। वो कहने लगे कि ये बैल है देखो इसका मुंह किस तरफ है, मैं कहा इसका मुंह मस्जिद की तरफ है,
कहने का बस इसी मस्जिद के नीचे मंदिर है, चलो अब हमें यहीं पर मंदिर बनाना है। वो उसका कहने का मतलब यही था। हम चलने लगे तो कहने लगा देखो आपके महाराजा आए थे, वो इतना दान दान दक्षिणा दे गए यहाँ पर, आप अपनी मर्जी से जो मर्जी दे लीजिए। तो ऐसे वो मंदिर गिराए गए। मंदिर गिराने के बाद फिर मथुरा का गिरा और बाकी गिरे। इवन बूढ़िया में एक सिख जो वहाँ पर धर्मशाला थी उसको भी गिरा दिया गया। नानकशाही थे वहाँ पर जो गुरु नानक साहब के पैरोकार थे, गिरा दिया गया। वहाँ पर एक मुजावर रख दिया, मुजावर था कि जो मस्जिद की देखरेख करता है। तो गुरु साहब तो सिखों ने क्या किया कि नानकशाही थे जो, उन्होंने इतना इंतजार नहीं किया कि अभी देखते हैं क्या होना है क्या नहीं होना। तो सरकारी रिकॉर्ड में जो आया, बादशाह के पास रिपोर्ट गई कि यहाँ पर मुजावर था, मस्जिद थी, मुजावर को मार करके नानकशाही लोगों ने यहाँ पर गुरुद्वारा बना लिया गया। ये बुढ़िया की घटना है, बुढ़िया बुढ़िया नौ जिंदा हरियाणा, दैट मीन्स इन हरियाणा। तो इस तरह की जो उस वक्त जो मूवमेंट चल रही थी उसको रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब यत्न कर रहे थे। तो जब कश्मीरी पंडित आए तो कश्मीरी पंडितों ने गुरु साहब से कहा कि हमारा धर्म खतरे में है, हमें बचाया जाए। गुरु साहब के लिए तो कोई अपना पराया नहीं है, गुरु साहब के लिए सब अपने हैं, कोई पराया नहीं गुरु साहब के लिए। तो इसलिए गुरु साहब जब तो गुरु साहब के बहुत मुसलमान भी, गुरु साहब के जो हमदर्द भी थे उनके श्रद्धालु भी बन गए थे मुसलमान। पीर सैफुद्दीन की शहस्ता खान बंगाल का गवर्नर, वो सब गुरु साहब के श्रद्धालु हो गए थे। पर बादशाह औरंगजेब वो यहाँ के लोगों के साथ ये प्रोसिक्यूट करने के लिए उसने ऑर्डर जारी किया था कि मंदिर गिरा के मस्जिदें बनाए, गुरुद्वारे दूसरे धर्मों के धर्म स्थल गिरा दो, सिखों के भी गिरा देते उसने। तो जब पंडित जी आए तो पंडित जी आगे कहने लगे, कृपा राम के अंडर आए थे पंडित जी, पंडित आए थे। तो पंडित जी कहने लगे गुरु साहब को, जो लिखता है हमारा जो भट्ट वही में लिखा हुआ है, दैट इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इन सिख हिस्ट्री, कि हाथ जोर कहे हो कृपा राम, दत्त ब्राह्मण मटन ग्राम, हमरो बालब रहे हो न काई, हे गुरु तेग बहादुर राई, गज के बंधन काटन हारे, तुम गुरु नानक हैं अवतारे, जिम द्रौपदी लाखी राज, दियो दियो सवार सुदामे काज, फिरत फिरत प्रभ आए थारे। उसके बाद है कि सेवा हरि अर्ज गुजारी, तुम कलयुग के कृष्ण मुरारी। तो ये जो स्टेंजा है ये बताता है कि उस वक्त जो गुरु साहब के पास आए थे उनके वो परंपरा बता रहे हैं कि हमारी परंपरा में जैसे कृष्ण जी ने लाज बचाई है, द्रौपदी की लाज बचाई है, जैसे हमारे धर्म ये हुआ है वैसे हमारे, हम आपको साक्षात उसी रूप में देख रहे हैं, अब हमारी भी रक्षा कीजिए। तो ये बात चल रही थी तो गुरु तेग बहादुर साहब उदास हो गए, सोचने लगे कि अब क्या हो, क्या करना चाहिए हमें। गोविंद राय जी जो कहा जाता है, गुरु गोविंद राय जी, उस वक्त गुरु गोविंद सिंह जी नहीं थे, गुरु गोविंद राय जी खेलते खेलते 9 साल की उम्र थी गुरु वहीं आ गए जहाँ पर ये बात चल रही थी। तो देखा कि गुरु तेग बहादुर साहब बहुत उदासीन अवस्था में है, सोच रहे हैं, कुछ गंभीर चिंतन कर रहे हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो गुरु साहब पूछते हैं उनसे कि गोविंद राय जी पूछते हैं कि क्या हो गया है। गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि ये कश्मीर से आए हैं पंडित, संकट में हैं, इनको संकट का निवारण हो सकता है अगर कोई बहुत बड़ा आदमी इनके लिए अपना शीश दे दे। तो गोविंद राय जी कहने लगे कि आपसे बड़ा आदमी कोई नहीं है अब इस दुनिया में धार्मिक। ये कई बार होता है कि हम कह देते हैं कि गोविंद राय जी तो बच्चे हैं 9 साल के, गुरु तेग बहादुर साहब गुरु हैं, गुरु को बच्चा नहीं समझा सकता। दरअसल गोविंद गुरु तेग बहादुर साहब ये देख रहे हैं कि जो गोविंद राय 9 साल की उम्र है, शीश देना पड़ेगा कि आज ये कल को ये जो ऑफिस है गुरुशिप का, जो सिखिज्म का जो गुरु का पद भी है, कि उसके ये लायक हो गया है, संभाल सकता है नहीं संभाल सकता है। देन ही केम टू नो कि अब ये बच्चा जो है गोविंद राय, नाउ ही इज फिट फॉर दी ऑफिस। तो उन्होंने कश्मीरी पंडितों को कहा कि जाके बादशाह को कह दो कि अगर गुरु साहब इस्लाम कबूल कर लेंगे तो हम सभी इस्लाम धर्म कर लेंगे। तो लाहौर के नवाब के पास जाके ये फरियाद की एप्लीकेशन दी कश्मीरी पंडितों ने, बादशाह हसन अब्दाल में था उसके पास पहुंचाई गई। 4 महीने लगे, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट जो है बादशाह के हुक्म के बगैर पॉसिबल नहीं है। तो ऑर्डर आए,
ऑर्डर में इसलिए लिखा गया, तीन बातें हैं उसमें जो ऑर्डर में जो गुरु साहब को जो शहीद करने से पहले जो वहाँ पर लिखी हुई हैं, दिल्ली चले गए गुरु जिले को पकड़ के दिल्ली चले गए लेके मतीदास भाई सतीदास जी भाई दयाला जी ये गुरु साहब के साथ हैं। तो तीन बातें गुरु साहब को कही गई। पहली बात ये कि आप इस्लाम धारण कर लें, इस्लाम धर्म में आ जाओ। दूसरी बात यह है क्योंकि करामा दिखा दो पता चल जाए कि आप बहुत बड़े कोई रिलीजियस पर्सनैलिटी है। तीसरी बात यह कि आप शहीद होने के लिए तैयार हो जाओ। तो गुरु साहब ने पहली दो बातों से इनकार कर दिया था। तो फिर उसके बाद गुरु साहब के सामने गुरु साहब के तीन सिखों को शहीद किया गया, भाई मतीदास जी, भाई सतीदास जी और भाई दयाला जी। उन तीनों की जो यादगार है वो दिल्ली के चांदनी चौक में बनी हुई है, लाल किले के बिल्कुल सामने, और उसके साथ ही शीशगंज गुरुद्वारा है जहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब को शहीद किया गया था। तो ये गुरु साहब के बारे में कई बार हम ये सोचते हैं कि गुरु साहब ने शहादत दी है किसी एक कम्युनिटी को बचाने के लिए, किसी एक कम्युनिटी के रिलीजियस सिंबल्स को बचाने के लिए। ये वो रिलीजियस सिंबल है जिनको गुरु नानक साहब ने पहले से इनकार कर दिया था। गुरु साहब तो परमात्मा से जुड़े हुए हैं। परमात्मा का जो लॉ है वो डाइवर्सिटी का लॉ है, और गुरु साहब देख रहे हैं कि जो परमात्मा के जो ऑर्डर ऑफ गॉड जो चल रहा है, डाइवर्सिटी का जो यहाँ पर नियम चल रहा है क्रिएशन में, उसको जो वायलेट करेगा उसके विरुद्ध हमें आवाज उठानी है। एंड बादशाह औरंगजेब वाज डूइंग दिस। तो बादशाह औरंगजेब को कि इस जो यूनिफॉर्मिटी करने का जो उसका एक इच्छा थी उसको रोकने के लिए गुरु तेग बहादुर साहब ने अपनी शहादत दे दी। इसलिए हम अपने बुजुर्गों को गुरु साहिबान को याद करते हैं कि हमें मैसेज मिले कि हमें अपनी जिम्मेदारी छोड़नी नहीं है, जिम्मेदारी से दौड़ना नहीं है, जिम्मेदारी से भागना नहीं है, जिम्मेदारी का एहसास करना है, अपने बुजुर्गों से शिक्षा लेनी है। हम बहुत आगे तक बढ़ते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी आ गई है, टेक्नोलॉजी के साथ रास्ते बहुत आगे तक जा रहे हैं, पर हम अपनी विरासत को नहीं छोड़ सकते। विरासत के बिना, विरासत को देखे बिना, विरासत को समझे बिना, विरासत में जिए बगैर हम ज़्यादा आगे तक नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि फिर हम ख़त्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे, आगे जाके रास्ता वो डेड एंड वाला हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों से आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बादशाह साहब तिवारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने बुलाया, इन्वाइट किया, कुछ आपसे शब्द साझे किए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की। आदरणीय पवनजीत सिंह जी, हमारे विश्वविद्यालय के सभी सम्माननीय शिक्षकगण, विद्यार्थियों एवं शोधार्थियों, जब मैं डॉक्टर परमजीत सिंह को सुन रहा था और उनका परिचय ये कराया गया कि वो पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला के डिपार्टमेंट ऑफ इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सिखिज्म
में कार्यरत हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो स्वयं ही सिखिज्म के इंसाइक्लोपीडिया हैं। इतनी ज्यादा जानकारी आज हमारे नवम गुरु गुरु श्री तेग बहादुर सिंह के बारे में हम सब लोगों को पता चला। आज उनका शहीदी दिवस है, हम सबको मालूम है। उन्होंने अपने आप को शहीद किस लिए किया ये भी हम सबको मालूम है, धर्म की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए। ऋग्वेद में एक श्लोक है, धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी भी रक्षा करता है। उनका शरीर तो मिट गया लेकिन उनका चरित्र, उनकी सैक्रिफाइस, उनकी देशभक्ति, उनकी पर पीड़ा को सहन न कर पाने की जो आदत थी, दूसरों के कष्ट को देख न सके और उस कष्ट को दूर कर निवारण के लिए, कष्ट के निवारण के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर देना, ये सबसे बड़ी सीख है। उन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी लेकिन हिंदुओं के धर्म परिवर्तन, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन नहीं होने दिया। जब मनुष्य का धर्म परिवर्तन होता है उसका वैल्यू सिस्टम पूरा बदल जाता है, उसकी बिलीफ सिस्टम बदल जाती है। किसी भी आदमी को सबसे बड़ा किसी को पनिशमेंट देना है तो उसका धर्म बदलवा दीजिए, इससे बड़ा पनिशमेंट कोई दूसरा नहीं होता है, क्योंकि उसके पूर्वज सैकड़ों वर्षों से जिस वैल्यू सिस्टम के साथ जीते हुए आए हैं, जिस बिलीफ सिस्टम के साथ जीते हुए आए हैं, वो परिवर्तित हो जाता है। तो धर्म परिवर्तन होना सबसे बुरी बात है और ये सबसे बड़ी सीख है कि किसी भी परिस्थिति में हमारा जीवन कितना भी कष्टदायी ना हो जाए, कितना भी दुर्लभ ना हो जाए, उसके बावजूद भी हम अपने वैल्यू सिस्टम को, बिलीफ सिस्टम को नहीं बदलने देंगे। आपने बहुत अच्छी बात बताई एक मैप में कि हमारे श्री गुरु तेग बहादुर सिंह कहाँ कहाँ गए, देश में कहाँ कहाँ भ्रमण किए, एक शोध का विषय है। रास्ता तो इस मैप में दिखाया गया लेकिन मुझे मालूम नहीं कि वो जहां जहां वो ठहरे, जहां जहां उनका पड़ाव हुआ, वहां पर उन्होंने क्या क्या काम किया, किस तरीके का काम किया, क्या उपदेश दिए, कैसे लोगों को मोबिलाइज किया मुगलों से लड़ने के लिए और अपने धर्म पर अडिग रहने के लिए, धर्म परिवर्तन नहीं करने के लिए क्या क्या उपदेश दिए, इसका एक क्रोनिकल बनना बहुत जरूरी है। उसी तरीके से सभी जितने हमारे जितने गुरु साहिबान हैं, गुरु श्री गुरु नानक देव जी भी बहुत जगह गए हैं, दक्षिण भारत भी गए हैं, विदेश भी गए हैं, वो रास्ते में उनकी एक मैपिंग हो, कहाँ कहाँ वो रुके, वहाँ क्या क्या किए, कैसे वहाँ गुरुद्वारा बने, इन सब का क्रोनिकल। आज हमें इतनी सब सुविधाएं हैं, एरोप्लेन्स है, बहुत ही तेजी से चलने वाली रेलगाड़ियां हैं और डीलक्स बसेज हैं। आज भी यदि कोई यात्रा करने को बोलता है तो बिल्कुल बहुत अच्छा नहीं लगता है, लेकिन उस समय बिना किसी सुख सुविधा के, बिना किसी यातायात के प्रबंध के, वो स्वयं इतनी जगह गए और मानवता की अलख को हमेशा उन्होंने हमेशा के लिए चिर पुरातन काल के लिए जीवंत रखा, ये सबसे बड़ी बात है। और इसलिए उनका जो त्याग है, तपस्या है, उसका सही क्रोनिकल बनना चाहिए, उसका सही डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, जिससे हमारी भावी पीढ़ी उनसे देश प्रेम की, राष्ट्रभक्ति की, धर्म प्रेम की प्रेरणा लेती रहे और हम सब अपने उनके द्वारा दिखाए गए पथ पर, रास्ते पर हम सब चलते रहे। ये करना बहुत जरूरी है, इसलिए कि हम देखते हैं कि हमारी पुरानी सभ्यता की जो अच्छी बातें हैं
उनको मिथक बोल करके नकार दिया जाता है। ये मिथक है, इसमें कोई सत्यता नहीं है। और अब हमें ये भी डर सताने लगा है कि कहीं ये सब चीजें भी आगे चल करके इसको लोग मिथक न मानने लगे। इसलिए इनको हमेशा हर एक पीढ़ी के मन मस्तिष्क में हमारे सभी गुरु साहिबानों के जो योगदान है उनका और बलिदान है राष्ट्र के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए, यहाँ भारतीय समाज के लिए, और जिस तरह से उन्होंने ब्राह्मणों की रक्षा की अपने जीवन की परवाह न करते हुए, एक मानवता की बहुत बड़ी मिसाल है। और इसको हमें पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने के लिए हर एक फॉर्म में हर एक व्यक्ति को कोशिश करनी पड़ेगी। रिटर्न फॉर्म में जो लिख सकते हैं वो लिखें, जो बोल सकते हैं वो बोलें। और ओरल हिस्ट्री भी का भी बहुत बड़ा महत्व है हमारे देश में। हम जानते हैं कि कई 2-3 हजार वर्ष तक हमारी पूरी सभ्यता का इतिहास ओरली ट्रांसफर हुआ है, ओरली मौखिक रूप से आगे बढ़ा है। तो जिस जिस फॉर्म में हम कर सकते हैं, और मैं अपने विश्वविद्यालय के पंजाबी विभाग के शिक्षकों से ये भी अनुरोध करता हूँ, मैं कभी कभी देखता हूँ कि कुछ विश्वविद्यालय के लोग जब कोई प्रकाश पर्व होता है, शहीदी दिवस होता है, तो लेख लिखते हैं। मैं अपने विश्वविद्यालय के से इस तरह का लेख कभी नहीं देखा अखबारों में। तो मेरा आप सबसे अपील है, जितने भी पंजाबी डिपार्टमेंट के हैं, कि आप लोग अपना डिवाइड कर लें कि इन इन गुरुओं के बारे में ये लिखेंगे। इस तरह से एक पूरा कैलेंडर बन जाए साल भर का, उस कैलेंडर के तहत हमारे विश्वविद्यालय के शिक्षक पंजाबी विभाग के कोई भी प्रकाश पर्व आए किसी भी गुरु साहिबान का, उसके बारे में अखबार में लिखें। किसी शहीदी दिवस है किसी गुरु साहिबान का, क्योंकि जब हम लिखेंगे तभी युवा पीढ़ी पढ़ पाएगी। और इसमें हमारे यहाँ जो स्टूडियो है उसमें यदि हम कोई डॉक्यूमेंट्री भी बना, क्योंकि इन सब को हमें डॉक्यूमेंट करके सुरक्षित रखना है, आगे बढ़ाना है, तो यदि इसमें कोई डॉक्यूमेंट्री बन सके। हमारे यहाँ फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट है, पता नहीं कितना अलाउड है मुझे नहीं मालूम, लेकिन यदि संभव है, यदि अलाउड है, तो उसमें भी कुछ वहाँ भी हो सके इस तरह का कुछ कार्य, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रसन्नता होगी। मैं डॉक्टर परमजीत सिंह का बहुत बहुत आभारी हूँ हमारा निमंत्रण स्वीकार करने के लिए, और हम लोगों को श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी के बारे में संपूर्ण जानकारी देने के लिए। समय की सीमा होती है, उनको और बहुत ज़्यादा कुछ कहना होगा, लेकिन हम आपसे पुनः अनुरोध करेंगे अगले अवसर पर कि आप पधारें और आज जो बताए हैं उससे आगे हम लोगों को बताएं, सिखाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पंजाबी विभाग के सभी शिक्षकों का, विशेष तौर पर रमनप्रीत कौर जी का और अमन का बहुत बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने ये आगे चलकर आगे बढ़कर कि इस काम को इस बौद्धिक को संपन्न कराया, और हम सबके मन मस्तिष्क में पुनः गुरु तेग बहादुर जी के को श्रद्धा अर्पित करने का हमें अवसर मिला। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोफेसर परमवीर जी का सागर नागर भरण लिये साढ़े रहनमा अगवाई करता प्रेरणा स्रोत वाइस चांसलर सर का, जेडे हमेशा सानू प्रेरित करते हैं कि असी अपना कर्म तो धर्म दोनों निभाइए, क्योंकि समय की सीमा है। तो इस हाल के होर प्रोग्राम आयोजित है, मैं अपने विभाग के साथी अध्यापक लखवीर न बेनती करती हाँ कि आन ते धनवादी शब्द जड़े है वह कह के अज का यह प्रोग्राम आप सब के लिए ज्यादा सदा इस तो बाद ते असी नाल दी नाल ही फिर राष्ट्रगान कर लवेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर रमन। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑनरेबल वाइस चांसलर, साढ़े वाइस चांसलर और प्रोफेसर परमवीर जी और साढ़े विभाग के डॉक्टर जमीर ते होर साढ़े सारे समूह साहिबान, सब तो पहला इस गल मैं अपने कुलपति जी का बहुत ज़्यादा धन्यवाद करती हाँ कि जदों जदों भी जिस समय तो उन्होंने इतने कैंपस ज्वाइन किया है, साढ़े को जिन्हें भी खास करके गुरु परंपरा के सिख इतिहास के नाल रिलेटड जिन्हें साढ़े को प्रकाश उत्सव या फिर साढ़े शहीदी दिवस आए, उन्होंने सानू अगे वध के इस दे प्रेरित किया। और अज भी उन्होंने जो मैं विचार सुन रही थी उन्होंने एक चीज़ मैं जरूर ऐड करना चाहूँगी कि सर ने कहा कि जिहड़ा साढ़े को धर्म परिवर्तन है वो किसी भी
किसी भी कीमत के उपर सू चेंज नहीं करना चाहिए। साड़ी जी धरती है संत सपाई तो सुरमे, ये त्रिवेणी संगम जो है ये पंजाब की धरती का है। और अज मैं बड़े फील होंगी है ये चीज़ कि सन 2000 के जड़ा एक इस टाइम पर माइग्रेशन का चलिया होया कन्वर्जन चल रही है धर्म की, उस समय साढ़े को जो ईसाई मत से 2000 के डाटे के अकॉर्डिंग वो 2% से, मैं सिर्फ पंजाब का डाटा दे रही हाँ, और प्रेजेंट टाइम के डाटा 18% है प्रेजेंट टाइम के। और जिस समय के साडे गुरुआ ने साडी अणख लई साडी पंजाबीयत लई साडी आइडेंटिटी लई साडे धर्म लई अपना आपा जिन्होंने वार दिता अपने सरबंस तक वार दिते, ठीक है, वह उन्होंने अगे खड़े। तो अज असी उसके बावजूद भी साढ़े को हर तरह की सहूलत है, हर तरह के नाल असी उन्होंने अपने नाल तोर सकते हैं, उसके बावजूद भी जो असी सानू दिख रहा है साढ़े घर हो रहा है असी देखे जा रहे हैं वो साढ़े लिए एक वाकई सेध का विषय है। और दूसरी गल जी सर ने कही है कि सानू अखबार दे विच जां साडी नौजवान पीढ़ी नू नाल जोड़न दा सानू कोई ना कोई वसीला करना चाहिए। सर तुहाडी इस गल दे लई बहुत बहुत धन्यवाद, असी अगे तो कोशिश करांगे कि साडा कोई भी इस तरह का अगर प्रकाश उत्सव जां शहीदी दिवस आंदा आ तो वह इस गल दे लई इस तो खाली ना रहे। और दूसरा मैं एक बार फिर तो प्रोफेसर परमवीर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने सानू इत्थे बैठिया नू इन्ने सारे हिस्टोरिकल प्लेसिस जिहड़े कि पूरे भारत दे विच जिहड़ी एक सिख धर्म की परंपरा है वो किस कदर असी बहुत ही थोड़े समय दे विच बहुत ज़्यादा कुछ गेन कर सके। और लास्ट दे विच मैं सारिआं दा बहुत बहुत धन्यवाद करती हाँ कि उन्होंने इस दे विच सानू सहयोग दिता। थैंक यू सो मच। प्रोग्राम की शुरुआत दसम पातशाह दे एक पदे दे नाल कीती सी, ते मैं चाहुंदी आ कि प्रोग्राम का जिहड़ा अंत है वह भी उन्हां दे दोहरे नाल करां जिहदे विच गुरु तेग बहादुर साहिब की शहादत दे नाल की हुंदा है। दसम पातशाह कहिंदे अपनी आत्म कथा दे विच ठीकर फोर दलीस सिर प्रपुर किया प्यान तेग बहादुर श्री करिया करी न किन्हू आन तेग बहादुर के चलत पयो जगत को सोक है सब जगत पियो जय 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 सुरलोक है सब जगत पियो जय 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 सुरलोक। इन्हां शब्दां दे नाल आप सब दा इत्थे पहुंचण दे लई बहुत बहुत धन्नवाद शुक्रिया। ते हुण असीं नैशनल एंथम दे लई खड़े होवांगे, उस तो बाद चादा जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा काविण उत्कल भंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जल नितरंगा तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल गायन जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे
A study of a shared pattern of a marginalized group with the aim of advocacy about issues of power and authority. Okay, critically analyzed what is that? That is critical ethnography. And one more is feminist ethnography, a study of women and the cultural practices that serve to disempower and openness them. That is also bringing the equality and equity based on this feminist ethnography. Postmodern ethnographic novel, which I stated now. Many people are having fiction work focused on cultural aspects of a group. That is also comes under, that is ethnographic novel, which I right now told you, which I already got ethnographic novels, even that it is also one of the case studies ethnography as well. And when you are as a researcher, when you are conducting an ethnographic research study, what will be the source of data? That is very important to understand. Source of data, when you are conducting a study as ethnographers, what will be the source of data? The data will be people, place, and things. Three things you need to keep in mind.